गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सी एम ए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लाइंस पेपर 13 में चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सेक्शन 241 से 244 तक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर से आजकल 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर को सुन लीजिए, 10 मिनट का चैप्टर है, आपको एकदम फोकस करके सुनना है और कुछ नहीं करना है, एकदम पूरा चैप्टर आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। सेक्शन 241 पढ़ते हैं, इसमें क्या बोलता है, देखिए। अप्लीकेशन टू एनसीएलटी बाय मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। बोलता है यदि कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता है तो उसका अप्लीकेशन जो है एनसीएलटी को दिया जाता है। एनसीएलटी मीन्स ट्रिब्यूनल। मेंबर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को अप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के रिगार्ड में, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या, मैंने क्या लिखा प्रोविजन में, एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स टू द ट्रिब्यूनल फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मेंबर्स उसके लिए ट्रिब्यूनल को अप्लीकेशन क्यों देता है, ठीक है। देखिए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है, देखिए, ठीक है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बोलता है, देखिए, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑब्लिक आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर्स प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट एंड मेंबर्स इंटरेस्ट। क्या बोला है, देखिए, बोलता है, देखिए क्या वर्डिंग, देखिए, व्हेन द अफेयर्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा अफेयर्स, ठीक है। मीन्स व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड, मतलब अफेयर्स फ्यूचर में हुआ था, ऐसा गलत अफेयर्स फ्यूचर में हैव बीन कंडक्टेड, मतलब फ्यूचर में हुआ था, या आर बीइंग कंडक्टेड, मतलब वैसा अफेयर हो रहा है। दोनों चीज़ें पास्ट टेंस भी है एंड प्रेजेंट टेंस भी है, ठीक है। सिंपल्स में ये बोलना चाहता है यदि कोई भी एक्टिविटी कंपनी का फ्यूचर में ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा है जो प्रेजुडिशियल, मतलब हार्मफुल है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कंपनी का इंटरेस्ट के लिए, या मेंबर्स इंटरेस्ट, मेंबर्स लोगों का इंटरेस्ट के लिए, या मेंबर इंटरेस्ट, एक सिंगल मेंबर का इंटरेस्ट के लिए। सिंपल से यह बोलना चाहता है इफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज हार्मफुल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट, मेंबर इंटरेस्ट एंड मेंबर्स इंटरेस्ट। मीन्स सीधा सा बोलना यह चाहता है यदि कंपनी का कोई भी एक्टिविटी कंडक्टेड हो रहा है और वह हार्मफुल है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, या कंपनी के लिए, या मेंबर्स लोगों के लिए, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मीन्स वह एक्टिविटी कंपनी का जो हार्मफुल है, किसके लिए, कंपनी का मेंबर लोगों के लिए, या कंपनी के लिए, या जनरल पब्लिक के लिए, उस एक्टिविटी को बोला जाता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। घुमा फिरा के बोला जाता है इट इज़ अ हार्मफुल एक्टिविटी। वह जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है हार्मफुल एक्टिविटी, जो हार्मफुल किसके लिए है, कंपनी का मेंबर के लिए या कंपनी के लिए है, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। किसके लिए हार्मफुल है, क्या देखेगा, समझ में, कंपनी के लिए हार्मफुल है, मेंबर्स के लिए, और पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए। सिंपल सा एकदम लैंग्वेज को याद रखिए, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड, मींस अफेयर कंडक्ट हो रहे थे या हो रहे हैं, समझ में, इन ए मैनर प्रेजुडिशियल, मतलब हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट, मेंबर इंटरेस्ट एंड मेंबर्स इंटरेस्ट। मीन्स द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड और हैव बीन कंडक्टेड इन ए मैनर विच इज हार्मफुल फॉर जनरल पब्लिक, फॉर हार्मफुल फॉर कंपनी, और हार्मफुल फॉर मेंबर्स और मेंबर्स, समझ में आया। वह एक्टिविटी कंपनी का जो हार्मफुल है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कंपनी के लिए, या कंपनी का मेंबर्स लोगों के लिए, समझ में आया। दूसरा बोलता है मटेरियल चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन मैनेजमेंट ऑब्लिक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। दो चीज लिखा है, मटेरियल चेंजेस हैज टेकन प्लेस, माने मटेरियल चेंजेस हुआ, कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ किसमें, कंपनी का मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट मतलब कंपनी का डायरेक्टर्स में कुछ चेंज हुआ, कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, या पुराना डायरेक्टर को हटाया गया, या कुछ अपॉइंटमेंट या चेंजिंग हुआ है कंपनी का डायरेक्टर्स में, मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स, या कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है शेयर होल्डर्स में चेंज, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कंपनी का मैनेजमेंट में या कंपनी का शेयर होल्डर में। As the result of such change, the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to
मेंबर्स और मेंबर्स इंटरेस्ट और कंपनी इंटरेस्ट। देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ सच चेंज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड, मतलब ऐसा होगा, इट इज इन फ्यूचर्स, इट इज इन फ्यूचर ऐसा कंपनी का एक्टिविटी ऐसा हो जाएगा जो हार्मफुल होगा किसके लिए, कंपनी का मेंबर्स के लिए या कंपनी के लिए, ठीक है। देखिए चेंजेस इन मैनेजमेंट मीन्स चेंज इन डायरेक्टर, चेंजेस इन कंट्रोल मीन्स चेंज इन शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। सबसे पहले बोलता है कंपनी का अफेयर्स ऐसे कंडक्ट हो रहा है जो हार्मफुल है, किसके लिए, पब्लिक के लिए या कंपनी के लिए या कंपनी का मेंबर्स के लिए। एग्जांपल देखिए, बोलता है कंपनी ने पॉपुलेशन जो पोल्यूशंस की लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया, एक फैक्ट्री को जितना पोल्यूशन की लिमिट दी जाती है उसके बाहर जाके वो काम कर रहा है, ये क्या है, ये हार्मफुल है, ये एक्टिविटी कंपनी का हार्मफुल है, किसके लिए, कंपनी जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कंपनी ने पोल्यूशन का लिमिट को क्रॉस कर दिया है और पोल्यूटेड कर रहा है वो इंडस्ट्री को, तो यह एक्टिविटी कंपनी का क्या है, हार्मफुल है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। एग्जांपल आया, अब समझ में आया कंपनी का कौन सा एक्टिविटी हार्मफुल है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब देखिए हार्मफुल है कंपनी इंटरेस्ट के लिए, कंपनी क्या कर रहा है कि अपना रिलेटेड पार्टी को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दे रहा है एकदम सस्ता में, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रहा, रिलेटेड पार्टी को प्रॉफिट कमाने दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो यह एक्टिविटी कंपनी का क्या है, हार्मफुल है कंपनी के लिए, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ये समझ में आया। अब देखिए मेंबर्स इंटरेस्ट या मेंबर्स इंटरेस्ट के लिए क्या होता है ना, कंपनी लोग क्या कर रहा है, मीटिंग में शेयर होल्डर मीटिंग में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट का फिगर कुछ और बता रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को डिस्क्लोज नहीं करना भी एक हार्मफुल एक्टिविटी है कंपनी के शेयर होल्डर लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए। समझ में आया, सीधा सा बात है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सिंबल फंडा यही है कि वह एक्टिविटी कंपनी का जो हार्मफुल है किसके लिए, कंपनी का मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए एंड जनरल पब्लिक के लिए। समझ में आया। अब आगे बोलता है, दूसरा चीज बोलता है मटेरियल चेंजेस, यदि कोई डायरेक्टर में हम किसी को चेंज किए हैं या शेयर होल्डर में किसी को हम चेंज किए हैं उसके कारण कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी के मेंबर्स को नुकसान हो रहा है, कंपनी को नुकसान होगा, इट विल बी इन फ्यूचर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड मींस ऐसा होगा, प्रिजुडिशियल मेंबर्स के लिए नुकसान है या कंपनी के लिए नुकसान है, उसको यदि ऐसा दो केस होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सिंपल सा फंडा आपको समझ में आया कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है। अब याद रखना है सेक्शन 241 में बोलता है कि एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स टू द ट्रिब्यूनल फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यदि ऐसा एक्टिविटी होता है कंपनी में तो कंपनी का मेंबर्स ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को बोल देगा कि मेरे कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सीधा सा बात है, सेक्शन 241 में इतना ही बोला गया है। अब आगे बोलता है एप्लीकेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को कौन एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन दैट The affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to public interest, then central government make application to the tribunal. यदि central government को लग रहा है कि company ऐसा activity कर रहा है जो harmful है public interest के लिए, तब central government उसको माने central government application देगा tribunal को कि इस company का activity harmful है public के लिए। समझ में आया, सिंपल सा चीज़ आपको एग्जांपल दे दिए। तो 241 में याद रखिए यदि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता है तो 241 में बोलता है कंपनी का मेंबर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के रिगार्ड में एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 241 समझ में आया, सेक्शन 241 यही बोलता है कि एप्लीकेशन दिया जाएगा एनसीएलटी को, कौन दे सकता है, मेंबर्स दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, यदि कंपनी का एक्टिविटी हार्मफुल है किसके लिए, कंपनी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कंपनी का मेंबर्स लोगों के लिए। ये सिंपल सा चीज़ था। अब देखिए सेक्शन 242, सेक्शन 242 में क्या होगा, देखिए हम लोग 241 में एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे दिया कि मेरा यह कंपनी का एक्टिविटी हार्मफुल है, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए, मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के मेंबर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दे दिया है ट्रिब्यूनल को। आगे देखिए 242 में क्या लिखा है, एक बार पढ़िए, 242 में लिखा है पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर फॉर एंडिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक्टिविटी। बोलता है ट्रिब्यूनल अब क्या करेगा कि ऐसा कुछ ऑर्डर पास करेगा जिसके कारण कंपनी का जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक्टिविटी चल रहा है इट विल फिनिश, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ट्रिब्यूनल पास सर्च ऑर्डर दैट विल फिनिश ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक्टिविटीज. ठीक है, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर फॉर एंडिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक्टिविटी. ठीक है, ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास करेगा जिसके कारण कंपनी में जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो खत्म हो जाए. ट्रिब्यूनल तो चाहता है कि हम कंपनी का वाइंडिंग अप कर दे, लेकिन वाइंडिंग अप करेगा तो मेंबर्स लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मेंबर के हित में जाके सोचेगा कि सबको ओवरऑल सोच के देगा. इसलिए ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास करेगा जिसके कारण ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक्टिविटी कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए. ठीक है, एनसीएलटी पास सर्च ऑर्डर टू ब्रिंग टू एन एंड मतलब वो ऑर्डर पास करेगा जिसके कारण ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाए, जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक्टिविटी चल रहा है कंपनी वो खत्म हो जाए. ठीक है, ऑर्डर क्या क्या देगा, परचेज ऑफ शेयर्स बाय अनदर मेंबर्स. यदि एक मेंबर्स ये ऑर्डर इस टाइप का ऑर्डर क्यों देगा, यदि एक मेंबर्स ज़्यादा शेयर होल्ड करके पूरा कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, अपना रिलेटेड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर उसके पास है, ज़्यादा वोटिंग पावर उसके पास है, इसलिए उस समय बोलेगा उस मेंबर का शेयर दूसरा आदमी खरीद लो. तो ऐसा ऐसा ये एग्जाम्पल इस टाइप का वो ऑर्डर दे सकता है. परचेज ऑफ शेयर्स बाय अनदर मेंबर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर. कंपनी नया अलॉटमेंट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर्स भी पुट ऑन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है. टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी, याद रखता है सारा एमडी और उसका रिलेटेड पार्टी को कंपनी का सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, ट्रिब्यूनल मॉडिफाई कर देगा, बोलेगा नहीं इस एमडी और इसका रिलेटेड पार्टी से हटाओ, दूसरा जो अनरिलेटेड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, वो सब होगा. ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास कर देगा जिसके कारण कंपनी का ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाए, ये याद रखना है. ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक्टिविटी खत्म हो जाए वैसा ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर देगा. ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, इसको समझिए, कल सिंपल अंडरस्टैंड में 241 में याद रखना है कि मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेशन कर सकता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक्टिविटी के रिगार्ड में एनसीएलटी को. 242 में एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता है कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को खत्म करो, उससे रिलेटेड जो भी उसको ऑर्डर लगेगा वो पास कर देगा. और 243 बोलता है कंसिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट विथ एमडी मैनेजर एंड डायरेक्टर. याद रखिए जो रिलेटेड पार्टी को मैंने एग्रीमेंट बनाया है रिलेटेड पार्टी का बेनिफिट के लिए, जो प्रेजुडिशियल है कंपनी इंटरेस्ट के लिए, उसको तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा खत्म हो जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए नो कंपनसेशन विल बी गिवन टू एमडी मैनेजर डायरेक्टर फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट. ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट उस एमडी और रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ उसको एनसीएलटी खत्म कर रहा है, तो उसके रिगार्ड में उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा. समझ में आ रहा है, नो कंपनसेशन, कुछ कंपनसेशन नहीं देंगे. और सच एमडी मैनेजर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी मैनेजर एंड डायरेक्टर 5 years सच कंपनी. उस कंपनी में वो 5 साल तक एमडी मैनेजर डायरेक्टर भी नहीं बन सकते. समझ में आया, यदि किसी एमडी मैनेजर डायरेक्टर का एग्रीमेंट टर्मिनेट किया गया एनसीएलटी के द्वारा, उसके रिगार्ड में उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, प्लस वह एमडी मैनेजर डायरेक्टर कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर भी नहीं बन सकते हैं. 243 में याद रखिएगा क्या बोलता है, जो कंपनसेशन, कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा एमडी मैनेजर डायरेक्टर को, यदि उसके साथ कुछ एग्रीमेंट बना गया है या मॉडिफाई हुआ है, और वह एमडी मैनेजर डायरेक्टर कंपनी में 5 साल तक एमडी मैनेजर डायरेक्टर भी नहीं बन सकते सेम कंपनी में. ठीक है, आगे देखिए, सिंपल सा है. 244 बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट. कम से कम कितना आदमी होना चाहिए जो एनसीएलटी को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सके. समझ में, 241 में बोला गया है कि एनसीएलटी को अप्लीकेशन करेंगे, चीज को समझिए. 242 में बोलता है एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, और 243 में बोलता है जो मॉडिफिकेशंस का जो ऑर्डर पास किया एनसीएलटी मॉडिफिकेशन एंड जो टर्मिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट विथ रिलेटेड पार्टी, तो उसके रिगार्ड में एमडी मैनेजर वगैरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, प्लस उनको 5 साल तक उस पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा. ठीक है, अब चौथा बोलता है 244 में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, मैंने कितना मेंबर्स कम से कम होना चाहिए एनसीएलटी के पास ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के रिगार्ड में अप्लीकेशन के लिए. देखिए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. यदि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो उस प्रकार की कंपनी जो अप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को मेंबर्स लोग कम से कम 100 मेंबर्स होना चाहिए और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स. 100 मेंबर्स होंगे, 100 मेंबर्स नहीं है ठीक है, जितना मेंबर्स है कंपनी को उसका 10% तो अप्लीकेशन दे, कम से कम 10% मेंबर्स देंगे. और
मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल सेल्स। चलो ठीक है, 10% मेंबर्स भी नहीं दे रहे, लेकिन उतना आदमी तो दे जिसने कंपनी का 10% सेल्स होल्ड करके रखा। समझ में आया? 100 मेंबर्स देंगे, चलो 100 मेंबर्स नहीं है, कंपनी का 10% मेंबर दे दे, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जितना कंपनी का उसका 10%। उतना भी नहीं है तो कम से कम 10% जो शेयर होल्ड करके रखा है। सपोज एक आदमी ने कंपनी में 10,000 शेयर, एक आदमी ने 1,000 शेयर होल्ड करके रख लिया, मैंने अकेला 10% होल्ड करके रखा है, तो वह एक आदमी भी एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन वो 10% शेयर होल्ड करना चाहिए। विच एवर इज सबसे कम जो होगा उसमें से एक भी कंडीशन जो होगा वो आदमी एप्लीकेशन कर सकता है, वह मेंबर्स एनसीएलटी में एप्लीकेशन कर सकता है। और कंपनी का पेड अप कैपिटल नहीं होगा तो 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स, मैंने 20% मेंबर्स चाहेंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं एनसीएलटी को। समझ में, ये याद रखिएगा, 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 1/10, यदि जो एक आदमी अकेला ही यदि टोटल माने 10% शेयर होल्ड किया तो वो अकेला भी कर सकता है। मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल शेयर्स, जो टोटल से विच एवर इज लोअर। ठीक है, सिंपल सा चीज है, चार सेक्शन, एकदम इजी सेक्शन है, इसको समझ लीजिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए इसको, इसका चीजिंग, इस मीनिंग को समझिए, इसका मीनिंग, चेंज योर एटीट्यूड एंड इट विल चेंज योर लाइफ। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, चीज को समझिएगा। क्या होता है ना, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सबसे बड़ा चीज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एटीट्यूड चेंज करके रखिएगा। प्रॉब्लम को देख के आप रिस्पॉन्स जैसा देंगे, प्रॉब्लम वैसा एग्जिस्ट कर पाएगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम को आप देख के लाइफ में बोले तो छोटा सा प्रॉब्लम है, हम इजिली हैंडल कर देंगे, आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया उसको देख के, तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? ये मेरे से नहीं हो रहा, हमसे होगा, हम कर लेंगे। अपना एटीट्यूड, जो इनर फीलिंग, इनर एटीट्यूड आप चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चेंज योर एटीट्यूड एंड इट विल चेंज योर लाइफ। राइट, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना रिस्पॉन्स चेंज कीजिए, जिंदगी आपकी बदलेगी, मेरी नहीं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। It will change your life. Change your attitude and it will change your life. Change your response. किसी भी चीज़ को करने का अपना attitude change कर लीजिए। अच्छा attitude रखिए, positive attitude रखिए, it will change, definitely it will change your life. ठीक है, just trust you, believe in yourself, you can do. कभी भी problem हो, I can do, बस यही बोलना, I can do, I have a belief. I believe myself. उससे ज़्यादा दुनिया कुछ भी बोले कि आपसे नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जब दुनिया और कोई आदमी आपको बोले आपसे नहीं होगा, मतलब आप ही से होगा वो चीज़, भरोसा रखिएगा। तब अपने आप को बोलिएगा अपने अंदर, ना हमसे ही होगा, हम प्रूफ करेंगे करके, तब प्रूफ करके दिखाइए कि हमसे ही होगा। समझ में आया? बिलीव रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, दिस क्लासेस ओवर।